नमस्कार साथियों, आपने सामान्य तौर पर पढ़ा होगा कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का या ऊष्मा का या तापमान प्राप्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य होता है। अब ये हमारा धरातल है, यहाँ हमारा सूर्य है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो एक सामान्य सा नियम है कि तापमान घटता है, उसके घटने की जो दर होती है वो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, जिसे हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं या जिसको नॉर्मल लैप्सेट ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। तो समझिए कि जब सूर्य यहां है, हम धरातल से ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो हम सूर्य की ओर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी तापमान क्यों घटता है। तो यहां से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं, ये लघु तरंग के रूप में हमारी पृथ्वी पर आती है। किरचॉफ का एक नियम है कि ऊर्जा का जो स्रोत जितना बड़ा होता है, जितना गर्म होता है, उसकी विकिरण उतनी ही ज्यादा लघु होती है। और इन लघु तरंगों के लिए हमारा वायुमंडल जो है वो पारदर्शी होता है, यानी कि ये बिना किसी रोक टोक के हमारे धरातल पर आ जाती है। यानी कि आने वाले सौर विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता। जैसे ये धरातल पर आती है और इसके बाद में धरातल इनको जब पुनः परावर्तित करता है तो उसको हम पार्थिव विकिरण या भौमिक विकिरण कहते हैं, और ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है। लेकिन जिस प्रकार हमारा वायुमंडल आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होता है, उसी प्रकार वो पार्थिव या भौमिक विकिरण के लिए पारदर्शी नहीं होता। इसलिए हमारा वायुमंडल पुनः परावर्तित होने वाली पार्थिव या भौमिक विकिरण के द्वारा गर्म होता है। इसलिए यहां पर आपको धरातल के पास में टेम्परेचर ज्यादा और ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम मिलेगा। इसलिए वो बात कही जाती है कि ऊंचाई पर बढ़ने पर तापमान घटता है, और इसके घटने की जो दर है उसको हम सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। लेकिन आपको एक बात यह भी ध्यान में रखनी है कि ये जो तापमान के घटने वाली जो दर है या घटने की जो प्रवृत्ति है वो केवल और केवल क्षोभ मंडल में देखी जाती है,